हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे। ये व्लॉग है 11 अक्टूबर का और आज के इस व्लॉग की शुरुआत भी मैं हॉस्पिटल से कर रही हूँ। कल रात से यहाँ पर एकदम जोरों शोरों से बारिश स्टार्ट हो गई है और आज के दिन की शुरुआत थोड़ी सी लेट हो रही है। अभी बज गए हैं सुबह के करीबन 10। मम्मी को बाथ स्पॉन्ज दे दिया गया है। अभी भी एनेस्थीसिया का थोड़ा सा असर मम्मी पर दिख रहा है। थोड़ी देर मम्मी को और सोने देती हूँ, जब जगेंगी तब मैं मम्मी को ब्रेकफास्ट कराऊंगी। और यहाँ पर आ गया है हमारा ब्रेकफास्ट, तो अभी देख लेते हैं कि आज हॉस्पिटल से इन लोगों ने ब्रेकफास्ट में क्या दिया है। ओके, तो इन लोगों ने आज ब्रेकफास्ट में दिया है ढोकला, जो मैं मम्मी को बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ। मम्मी सोकर उठ चुकी हैं, अभी मैं मम्मी को जस्ट चाय और इसके साथ में 2 डाइजेस्टिव बिस्किट दूंगी, क्योंकि आशीष का कॉल आ गया है, वो रास्ते में है। शिखा घर से चाय और उपमा भेज रही है मम्मी के लिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। आज हॉस्पिटल में हमारा 4th डे है। मॉर्निंग में जब डॉक्टर ने हमें अलाउ किया कि आप पेशेंट को घर का खाना दे सकते हैं, तो अभी शिखा ने आशीष के हाथ उपमा और चाय भेजा है, साथ में उसने मम्मी के लिए और मेरे लिए लंच भी भेजा है। तो अभी सबसे पहले मम्मी को चाय दे देते हैं, क्योंकि 1 घंटा पहले ही मम्मी ने बिस्किट और चाय पिया था, तो अभी उनका मन नहीं कर रहा है उपमा खाने का। तो चलिए अभी पहले फटाफट से मम्मी को भी चाय देते हैं और मैं भी घर की सुकून वाली चाय पीती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। 5-6 दिन से इतनी ज़्यादा आशीष की भागदौड़ हो गई है कि स्ट्रेस की वजह से इसको भी हल्का सा फीवर आ गया है। फिर मैंने आशीष को बोला, भाई तू मेडिसिन ले और घर जाके थोड़ा रेस्ट कर। आप सभी जानते हैं कि मम्मी की यूरिनरी ब्लैडर की सर्जरी हुई है, जिसमें एक सिस्ट निकली थी। अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्म की अगर बात करें तो सारी क्लीनिंग एंड ऑल होने के बाद भी ये नॉर्मल है कि 7-10 डेज आपको हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग, क्लॉटिंग या डेब्रीज निकलते ही हैं। मम्मी के केस में एक डेब्रिस मम्मी के यूरिन के रास्ते में फंस गया था, जिसके कारण मम्मी को इतना ज़्यादा अनबेरेबल पेन हुआ। फिर डॉक्टर्स लोगों ने, कुछ मेडिकल टर्म में बोलते हैं कि मैन्युअली वाया इंजेक्शन शूटअप करके उसे क्लीन किया और तब जाके मम्मी को एकदम रिलीफ हुआ। और ये सारी क्लिप्स इवनिंग की हैं, जब सिस्टर आए थे मम्मी को इवनिंग वॉक कराने के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे। आज है नेक्स्ट डे और बारिश आज भी कंटिन्यू हो रही है। अभी बज गए हैं सुबह के 8:15 और मम्मी आज काफ़ी बेटर फील कर रही हैं। मम्मी ने सुबह सुबह बाथ स्पॉन्ज भी ले लिया है, मम्मी ने वॉक भी की है और ब्रेकफास्ट में आज है इडली और साथ में नारियल की चटनी। तो अभी सबसे पहले मम्मी को ब्रेकफास्ट कराते हैं। कल रात में ही मैंने शिखा को कॉल करके बोल दिया था कि आज मॉर्निंग में आशीष को मत भेजना, क्योंकि उसे फीवर आ रहा है। बार बार वो अप एंड डाउन करेगा तो उसे भी स्ट्रेस होगा और मम्मी के कांटेक्ट में आएगा तो मम्मी को भी फीवर आ सकता है। इंदर भी नहीं है तो बेटर है कि मैं हॉस्पिटल से ही ब्रेकफास्ट और लंच ले लूँगी, मम्मी को भी खिला दूँगी और मैं भी खा लूँगी। आशीष को रेस्ट करने दो। फिर आशीष का मुझे कॉल आ गया था कि बहन मैंने मेडिसिन ले ली है, मैं एकदम नॉर्मल हूँ, मैं आ जाता हूँ। मैंने उसे बोला, भाई माता तू रेस्ट कर ले। ब्रेकफास्ट करने के बाद मम्मी सो गई थी और एक बार ज़रा बाहर के हाल देखिए, बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही और एकदम बाहर काला होता जा रहा है। तो अभी बज रहे हैं 1:15 और हो गया लंच टाइम। पहले मम्मी को लंच करा लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। लंच करने के बाद मम्मी ने थोड़ी सी वॉक की और उसके बाद मम्मी सो गई थी, वो सब मैंने शूट नहीं किया था। उसके बाद डॉक्टर आए और डॉक्टर ने बोला कि शाम तक वो हमें डिस्चार्ज दे देंगे। फिर मैंने आशीष को फ़ोन कर दिया था, आशीष आ गया, सारा प्रोसीजर हो गया है और अभी बज रहे हैं 7:00 और अब टाइम है घर जाने का। घर जाने की बात सुन के मम्मी के चेहरे पर खुशी आ गई और मम्मी को इस तरीके से खुश देख करके हम सब इतने खुश थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब बिना देरी किए हुए घर चलते हैं। इस हॉस्पिटल के स्टाफ की, डॉक्टर्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये लोग पेशेंट्स की इतनी ज़्यादा टेक केयर करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ये 5 दिन का मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने अपनी मम्मी के लिए देखा है। और ये देखिए, अभी भी बारिश बंद नहीं हुई है, हल्की हल्की सी बौछारें अभी भी हो रही हैं। और आज 5 दिनों के बाद हम लोग फाइनली घर जा रहे हैं। इतना सुकून मिल रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और आशीष का चेहरा देखिए, 5-6 दिनों से हॉस्पिटल से घर के चक्कर लगा करके इसकी हालत ख़राब हो गई है। हॉस्पिटल से जब मैंने आशीष को कॉल किया था कि डॉक्टर आए हैं और उन्होंने बोला है कि मम्मी को आज ही डिस्चार्ज दे देंगे,
तभी मैंने और आशीष ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम घर में अभी किसी को नहीं बताएंगे कि मम्मी को आज ही डिस्चार्ज मिल रहा है। मम्मी को डायरेक्ट लेकर के हम घर चलते हैं और घर पर पापा के, इंदर के, शिखा के और कुकू के रिएक्शन देखते हैं कि वो लोग मम्मी को देख करके कैसे रिएक्ट करते हैं। बिल्डिंग में पहुंचते ही हमारा एक पोपट हो गया। इंदर ऑलरेडी नीचे खड़े हुए थे और इन्होंने देख लिया था। फिर हमने इन्हें बोला कि ऊपर ये बात किसी को नहीं बताना, डायरेक्ट मम्मी को लेकर के ऊपर चलते हैं, पापा का, शिखा का और कुकू का रिएक्शन देखते हैं। मम्मी को देख करके पापा और कुकू इतने साइलेंट थे ना कि इनके कुछ रिएक्शन ही नहीं आए। ये दोनों बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि सच में मम्मी आज रिटर्न घर आ गई है। शिखा कहाँ? ये तो हमको सरप्राइज दे दिया। इनको कमरे में ही लिटा दो शिखा, इनके ध्यान से चलना। क्या हुआ माँ को क्या हुआ कुकू बाबू? आपको इंजेक्शन लगाया। घर पर अभी भी किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा है कि सच में मम्मी को डिस्चार्ज मिल गया है और मम्मी घर आ गई हैं। पापा अभी भी बार बार पूछ रहे थे कि बेटा सच में डॉक्टर ने ही डिस्चार्ज दिया है? तो मैंने बोला नहीं नहीं हम खुद ही डिस्चार्ज लेकर के आ गए। तो अब समय है दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पर एंड करने का। जल्द आपसे मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।